फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड टी हम एक्स और टी की इन तीनों ही फंक्शन में जो भी वैल्यू भरे हैं जो बे फंक्शन का एक फाइनेट वैल्यू आना चाहिए द बे फंक्शन मस्ट ए फाइनेट वैल्यू राइट अब यदि इनके बीच में आप एक फंक्शन में दूसरे में और तीसरे में इन फंक्शंस में आउट ऑफ द फॉलिंग गिवन फंक्शन गिवन अब नन सेटिस्फाई दिस कंडीशन इस कंडीशन को कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर सकता इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नन कैन रिप्रेजेंट ए ट्रैवलिंग वेव सो कोई भी फंक्शन इसमें ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता ओके सो नाउ अब हम करते हैं जो सवाल नंबर क्वेश्चन uh, uh, वो एक आवाज uh, निकलता है वन थाउजेंड किलो हर्ड्स इन एयर राइट अब अब मैं उसकी इतनी आवाज़ वो निकालता है द साउंड मीर द सा वाटर सर्फेस वो जो साउंड है वो पानी के सर्फेस को मिलती है एंड वट इज़ द बेबलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड की जो बेबलेंथ क्या होगी और ट्रांसमिटेड साउंड की जो है वो बेबलेंथ क्या होगी ये दो चीज़ें आपसे पूछी हैं जो ट्रांसमिट कर जाए कि वाटर में चले जाएगी उसकी बेबलैंथ क्या होगी तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है आपने इतनी यूज़ करनी है थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड और पानी में है चौदह सौ छियासी मीटर पर सेकेंड राइट सो ना विल गो फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वी विल गो फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम द गिवन पैरामीटर्स आर द गिवन फ्रीक्वेंसी हम यहाँ जस्ट लिखते हैं जो फ्रीक्वेंसी न्यू है दिस इज इक्वल टू वन थाउजेंड किलो हर्ट्स सो दिस इज इक्वल टू वन थाउजेंड क्रॉस टेन टू इज आवर थ्री हर्ट्स एक पार्ट क्लियर हो गया अच्छा उसके बाद है हमारे पास कि हमसे पूछा है रिफ्लेक्टेड साउंड बेबलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड देखिए जब साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस सेम मीडियम में आएगी तो जो लेमडा क्या होगा हमारा बेसिक एक्सप्रेशन है वी इज इक्वल टू न्यू लैमडा सो न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन लैमडा ओके एंड लैमडा इज इक्वल टू वी अपॉन न्यू हो जाएगा ये हो जाएगा वी अपॉन न्यू हो जाएगा तो इसमें रिफ्लेक्टेड केस में क्या होगा तो बेलोस्टी यहाँ आएगी थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड और जो फ्रीक्वेंसी है वो टू पावर सिक्स हार्ड्स हो जाएगी ओके इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है दिस इज थ्री पॉइंट फोर क्रॉस टेंड्रज पावर माइनस फोर मीटर राइट सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो पार्ट बी है उसमें है द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर अब दूसरे पार्ट में हम पेंसिल का रंग बदल देते हैं स्पीड ऑफ बलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर उसको हम लिखेंगे दिस गिवन ओवर हेयर वन फोर एट सिक्स मीटर पर सेकेंड ओके आप ये जानते हैं कि जैसे बेब जो है वो रेयर टू तो डेंसर मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज इट विल रिमेन अन चेंज सो तो फ्रीक्वेंसी विल बंस अगेन भी ये हम कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं इट विल रिमेन टेन टू पावर सिक्स आर्स ओके अब आप यहाँ लिखें बेब लेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड बेब इज इक्वल टू दिस इज बेलोसिटी ऑफ द साउंड इन वाटर बाई फ्रीक्वेंसी सो बेलोस्टी ऑफ साउंड एंड वाटर इज चौदह सौ छियासी मीटर पर सेकेंड ओके डिवाइडेड बाई hertz. सो so, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं देन इज अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर एट सिक्स क्रॉस टेंट इज पावर माइनस थ्री मीटर सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ओके सो अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर सवाल है हमारा फिफ्टीन पॉइंट सेवन इस सवाल में दिया गया है कि एक हॉस्पिटल यूजेस अल्ट्रासोनिक स्कैनर्स टू लोकेट द ट्यूमर इन द टिश्यू एंड व्हाट इज़ द बेब लेंथ ऑफ साउंड इन द टिश्यू आपको बेब लेंथ ऑफ साउंड निकालना है इन विच द स्पीड ऑफ साउंड सो नॉन पैरामीटर को आप साथ में लिखते चले जाइए पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ओके इस सल्यूशन में हमने निकालना है वट इज़ द बेब लेंथ ऑफ साउंड साउंड की वेवलेंथ जो है हमारे लिए अननोन है एंड स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड कितनी है दिस इज वन पॉइंट सेवन किलोमीटर पर सेकेंड तो अपने बेसिक यूनिट में वो होना चाहिए इट इज वन पॉइंट सेवन के का नमेरिकल वैल्यू होगा टेंड पावर थ्री दिस इज मीटर पर सेकेंड ओके एंड देन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैनर इज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 4.2 पॉइंट टू मेगा हार्टस मेगा का नोमेरिकल वैल्यू टेंट्र पावर सिक्स होगा इसको आप ले सकते हैं 4.2 पॉइंट टू क्रॉस टेंट पावर सिक्स हार्ट ओके ना नाउ दिस लेमडा लैमडा कितना हो जाएगा अब बेब लेंथ ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी

क्रॉस टेंट पावर माइनस थ्री राइट सो इसको सॉल्व करें आप फर्दर देन यू विल हैव इट इज इक्वल टू फोर पॉइंट वन क्रॉस टेंट पावर माइनस फोर मीटर इज सो ईजी टू डू इट सो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो ऑन द नेक्स्ट पेज देरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन ये सवाल आपको काफ़ी जानकारी देगा और सवाल हमारा कुछ इस तरीके का है कि एक ट्रांसवर्स बेब है ट्रांसवर्स हारमोनिक वेव ऑन स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब बाय एन इक्वेशन इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख रहे हैं कि बाय द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू थ्री पॉइंट जीरो एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव राइट और इसमें जो एक्स बाई एक्स का वैल्यू जो है ये और जो बाय है दोनों सेंटीमीटर्स में है टाइम सेकेंड्स में है

Uh, traveling babe so now this is the solution of the problem is okay so given equation is by the function of x and t is equal to 3.0 sine 36 t plus 0 0.018 x plus पाई बाई फोर ओके हम एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखते हैं वो इक्वेशन रहेगी हमारे पास बाई द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव इसे मैच करती है इसको हम इक्वेशन नंबर वन मान लें और इसको हम इक्वेशन नंबर टू मान लें तो यहाँ हमें निकालना बहुत आसान है ये वाला जो पार्ट है वो इसके साथ मैच करता है तो सिंपल सी बात है कि जो एम्पलीचूड हुआ तो एम्प्लीटूड जो है वो थ्री पॉइंट ज़ीरो सेंटीमीटर हो जाएगा ओके मींस इट इज़ थ्री क्रॉस टू पावर माइनस टू मीटर हो जाएगा एम्पलीट्यूड क्लियर हो गया अब के की जगह है के इज इक्वल टू टू पाई बाय लैमडा सो ओमेगा उमेगा की जगह थर्टी सिक्स सो हेयर उमेगा इज इक्वल टू मेगा इज इक्वल टू थर्टी सिक्स अरेडियन पर सेकेंड एंड देन के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन एट सेंटीमीटर ना यदि आप ऐसा करते हैं देखिए आप एक्स को जीरो पुट कर देते हैं टी को जीरो पुट कर देते हैं तो जो रिमेनिंग वैल्यूज फंक्शन की आएगी दट इज पाई बाई फोर

ज़ीरो पॉइंट जीरो वन एट सेंटीमीटर है तो यहाँ आप टेन टू माइनस टू लिख दीजिए तो ये सॉल्व करके आ जाएगा दिस इज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ये सो इज इज ईजी टू डू अब एम्पलीट्यूड हमने ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ हमसे पूछा है कि वट इज़ एम्प्लीट्यूड हेयर इट इज़ आस्क फ्रॉम अस्ट एम्पलीट्यूड और फ्रीकेंसी आपको निकालना है तो एम्प्लीटूड तो हमने पहले ही निकाल रखा है दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द बेब इज़ इक्वल टू थ्री पॉइंट जीरो सेंटीमीटर तो इसको आप ले सकते हैं सी का आप नोमरिकल वैल्यू लिख दें दिस इज थ्री क्रॉस टू पावर माइनस टू मीटर एंड दिस इज थ्री बाई हंड्रेड ओके मीटर इट इज इक्वल पॉइंट जीरो थ्री मीटर ये एम्पलीट्यूट हो जाएगा अब फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी क्या होगा सो so, ओमेगा जो होता है ना वो होता है टू पाई बाई टी तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं टू पाई इंटू वन बाई टी सो वन बाई टी इज अ फ्रीक्वेंसी दिस इज टू पाई टाइम न्यू सो नाउ न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टू पाई तो ओमेगा आपने लिखा है यहाँ निकाल थर्टी सिक्स अपॉन टू पाई इट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स अपॉन टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर ओके सो ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा

x इज इक्वल टू जीरो एंड t इज इक्वल टू जीरो एक्स और t का वैल्यू यदि आप यहाँ जीरो पुट कर देते हो वी विल हैव phi इज इक्वल टू फाई बाई फोर तो यही सवाल में हमसे पूछा हुआ है और जो d पार्ट है उसमें पूछा है कि वट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रस्ट तो दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसको बेबलेंथ लेंथ बोलते हैं तो इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा हुआ है कि बेबलेंथ लेंथ क्या है तो यदि आपको वेवलेंथ निकालना है तो हम जानते हैं बी नो दैट बी नो दैट के इज इक्वल टू टू पाई बाय लैमडा एंड लैमडा इज इक्वल टू टू पाई बाय के ओके तो के हमारे पास दिया हुआ है आप यहां कर सकते हैं टू इन टू थ्री पॉइंट वन फोर अपॉन के का वैल्यू क्या है ये है जीरो पॉइंट जीरो वन एट क्रॉस माइनस टू